सेना पोशाक नजर आसिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लदाख गस्तरे जायथो बेले सियाचिन बेस क्याम्प परिदर्शन करछन्ते। से सेठारे ग्लासियर रे मुतयन थिबा सैनिक एवं अधिकारी सह आलोचना करथिले। तेबे राष्ट्रपति मुर्मू तांको भाषण रे देश को सुरक्षा देबारे सैनिक मानक साहसिकता एवं सेवा को प्रशंसा करथिले। तेबे सेठारे मुतयन होइथिबा सैनिकक परिवार एवं संपर्क को मध्य कृतज्ञता जणाइछन्ति। युद्ध हीरो मानक पई आयोजित कार्यक्रम रे से सियाचिन बेस वार मेमोरियल रे शहीद मानको श्रद्धांजलि प्रथमे अर्पण करथिले। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के बेस कैंप में उपस्थित थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, यहाँ पर तैनात सेना के सभी अधिकारी एवं वीर जवानों, लेफ्टिनेंट जनरल बीडी मिश्रा जी, आप सभी जवानों और अधिकारियों से यहाँ आकर और मिलकर मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैं आप सबसे मिलकर बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे आप सब पर विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है। सभी देशवासी आप सबकी बहादुरी को सलाम करते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से आप सबके लिए विशेष सम्मान व्यक्त करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे मार्टियर्स मेमोरियल में श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अवसर मिला। मुझे बताया गया है कि जवानों ने हजारों से ज्यादा देश के लिए अपना आत्म बलिदान दिए। केवल जवान नहीं, जवानों को सहयोग करने वाले लोग भी देश के लिए समर्पित हो गए। तबे पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एवं पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उपरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सियाचिन ग्लासियर प्रदर्शन करथिबा तृतीय राष्ट्रपति अटंती। तबे कराकोराम रेंज रे अवस्थित सियाचिन ग्लासियर हेउछि विश्वर सर्वोच्च सामरिक दखल होइथिबा अंचल। एठारे ऑपरेशन मेघदूत अधीन एप्रिल 1984 ठारु भारतीय सेना द्वारा एहा सुरक्षित होइ रहि आछि। तबे जवान को भेटिबा सह तांकु निज हाथ में मीठा खुआईले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर राष्ट्रपति को पाखरे पाई जवान माने बेस खुशी हो जाइछन्ते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।